इनको देखो, देखो बेचारे को, इन्होंने कुछ बोला? मैंने बेचारे का घड़ी बेचा, इनका सोने वाला चश्मा बेचा। तूने घड़ी बेचा? बॉलीवुड की सुपरस्टार अक्षय कुमार की कॉमेडी से भरपूर रोमांटिक ड्रामा फिल्म हेरा फेरी को लेकर फिर से आ गई है बॉलीवुड से तगड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की हेरा फेरी मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी या नहीं, और क्या इस फिल्म को बनाने के लिए ऊपर पक्का एक्शन ले लिया गया है या नहीं। साथ ही साथ इस फिल्म की शूटिंग क्या नए साल में शुरू होगी, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी सुपरस्टार अक्षय कुमार के फ़ैन हैं और हेरा फेरी मूवी के बारे में सभी अपडेट जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पूरा वीडियो। बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि पिछले कई दिनों से हेरा फेरी को लेकर कई सारी खबरें बॉलीवुड से निकल कर सामने आ रही थी और बताया जा रहा था कि हेरा फेरी मूवी को अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आने वाले हैं। साथ ही साथ बॉलीवुड से ये भी खबर सामने आई थी कि सुपरस्टार अक्षय कुमार ने हेरा फेरी मूवी करने को मना कर दिया था। उसके बाद निर्माताओं ने कार्तिक आर्यन को राजू के किरदार के लिए कास्ट कर लिया था। और दोस्तों उसके बाद ये खबर आई थी सुपरस्टार सुनील शेट्टी अक्षय कुमार से बातचीत करेंगे और एक बार फिर से सुपरस्टार अक्षय कुमार परेश रावल सुनील शेट्टी तीनों ने हेरा फेरी मूवी में एक साथ नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों हाल ही में बॉलीवुड के ये भी खबर निकल कर आ रही है सुपरस्टार अक्षय कुमार कार्तिक आर्यन परेश रावल सुनील शेट्टी और कई सारे बड़े कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। साथ ही साथ मशहूर डायरेक्टर अनीस बज्मी हेरा फेरी मूवी में डायरेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों बताया जा रहा है ये हेरा फेरी मूवी की शूटिंग 2023 के नवंबर या दिसंबर के महीने में शुरू हो सकती है। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।